तो मेरे बच्चों अभी आज का लेसन याद रखो। देखो अभी इसके अंदर सुनो, ये दो पर्सन है, सुनो अभी यहां पर, हाँ ए और बी दो पर्सन है। बी ने ए की पेंसिल ले लिया, ये जो पेंसिल है ना, हाँ ले लिया। अब क्या होगा मालूम है आपको? कयामत के दिन क्या होने वाला है मालूम है? नहीं, आपने जो भी लिए ना, किसी की चॉकलेट खा गए, किसी की बैग ले लिए, किसी की पेंसिल ले लिए, किसी के पैसे ले लिए, किसी की प्रॉपर्टी ले लिए, किसी की जमीन ले लिए, किसी का घर ले लिए, वो सब लोग आने वाले हैं। हाँ सब लोग आने वाले अब वो आएंगे, बोले पैसे दो, पैसे मेरे पैसे दो। अब पैसे कहाँ से देंगे? पैसे तो नहीं है, पैसे तो अपन रख के आते हैं। दुनिया में तो गए पैसे, कयामत के दिन पैसे होंगे हमारे पास? पैसे होंगे बस कुरान रहेगा। नहीं, कयामत के दिन ईमान होगा और हमारा अमल होगा। हाँ कयामत के दिन अल्लाह ताला की किताब भी होगी जो सिफारिश करेगी, लेकिन जन्नत में कुछ भी करना। अच्छा देखो मुझे बताओ, अब वो आगे पैसे मांग रहे तो क्या करेंगे? उनको पैसे कहाँ से देंगे? नहीं दे सकते, तो क्या देना पड़ेगा मालूम है? अपनी डीड्स देना पड़ेगा, गुड डीड्स। हाँ गुड डीड्स देना पड़ेगा। आपने गुड डीड्स किए, नमाज पढ़े थे, रोजा रखे थे, लेकिन आपने उसके पैसे ले लिए, उसकी चॉकलेट आप खा गए, उसकी पेंसिल ले लिए थे आपने, आप पेमेंट करो उसका, तो अपनी गुड डीड्स में से करना पड़ेगा। मतलब आपने जो गुड डीड किए ना उसको देना पड़ेगा। लो फिर वो लेके गया, वो जाके अपने तराजू में डालेगा उसे, समझे आप? उसके तराजू में वो देने डाला जाएगा उसके तराजू में। हाँ बच्चों पता है आपको, ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत ट्रबल में आ जाएंगे। अब ये दिन आने वाला है मालूम है आपको? हाँ इस दिन के बारे में मैं आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इंशाल्लाह, लेकिन आज के लिए इतना सा याद रखो कि ये तराजू आने वाला है। ये तराजू के सामने खड़े होकर देखना पड़ेगा कि क्या गुड डीड मैंने किया, क्या बैड डीड किया, सब कुछ आने वाला है। ऐसा तराजू नहीं होगा, वो बहुत बड़ा तराजू है। हाँ तो वो तराजू के सामने खड़े होने से पहले ही अच्छे काम करो, ईमान लाओ, अच्छे काम करो। ये एक पैगाम है कलर्स ऑफ इस्लाम प्रोग्राम में आप सब बच्चों के लिए और आप सब बच्चों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि हम सब जो बातें कर रहे हैं आप वो फॉलो कर रहे हैं। ये पैगाम हम सब के लिए है, हमारी जिंदगियों के लिए है। कामयाब होना है ताकि कयामत के दिन उस तराजू के सामने जब हम खड़े हों और हमारे आमाल, हमारे डीड्स तौले जाएं, उस दिन कामयाब हो गए तो रियली कामयाब हुए, और उस दिन फेल हो गए तो ध्यान फेल, बहुत बुरी तरह से फेल हुए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी जिंदगी को संभालो, कामयाबी की जिंदगी बिताओ, अल्लाह ताला के सामने जब खड़े हों कामयाबी के साथ और एक बहुत सारे नेकियों के साथ, ईमान के साथ, अमल के साथ खड़े हों, उस दिन की कामयाबी असल कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सबको नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे और गुनाहों से बचने की तौफीक दे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे प्रोग्राम कलर्स ऑफ इस्लाम में। जज़ाकल्लाह खैर व आखिरु दावाना अनिलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।